नमस्कार, मैं प्रिया। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने दिए संकेत। बिहार के 19 जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना। लगभग 27 दिनों के बाद बिहार में मिले कोविड-19 के 1000 से कम मामले। बिहार में अधिकारियों कर्मचारियों को जल्द ही मिलेगा प्रमोशन। संसद में आज हुआ बजट पेश। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज संसद में देश का बजट हुआ पेश। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट आज पेश कर दिया है। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने अगले 25 साल के ब्लूप्रिंट के तौर पर काम करने की बात कही है। वहीं जारी किए गए बजट के अनुसार चमड़े के सामान सस्ते होंगे, कपड़ा भी सस्ता होगा, मोबाइल चार्जर मोबाइल लेंसेस होंगे सस्ते। इसके अलावा खेती का सामान सस्ता होगा, पॉलिश्ड हीरा सस्ता होगा। आम बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अब तक का यह सबसे छोटा भाषण रहा। सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस योजना में टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। नया टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना के साथ ही ये भी कहा गया है कि एनपीएस में अब 10% की जगह पर अब 14% योगदान होगा। इसके साथ ही कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव रखा गया है। बिहार में खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने दिए संकेत। कोविड-19 के तीसरी लहर में मामलों में जारी बढ़ोतरी को देखते हुए सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को बंद कर दिया गया था। हालांकि अब कोविड-19 के मामलों में गिरावट जारी है, इसी को देखते हुए स्कूल खोलने की योजना बनाई जा रही है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसको लेकर बीते दिन बताया कि प्रदेश में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकारी और निजी स्कूल को खोलने पर निर्णय जल्द लिया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से इस हफ्ते आपदा प्रबंधन समूह की बैठक होने वाली है। इसी बैठक में सर्वसम्मति से उचित फैसला होगा। शिक्षा मंत्री की माने तो शिक्षा विभाग राय है कि सभी विद्यालय खुलने चाहिए। विद्यालयों के बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि स्कूल खोलने के बावजूद बच्चों की जान पर नाबाद बनाए इस बात का ध्यान रखा जाएगा। बिहार इंटर की परीक्षा को लेकर बिहार बोर्ड ने कहा, हमारी तैयारी पूरी। बिहार में आज से इंटर की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। इसको लेकर बिहार भर में कुल मिलाकर 1471 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें ही 13 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे शामिल हुए। हालांकि इस परीक्षा को लेकर के पहले से ही बिहार में तैयारियों को तेज कर दिया गया था। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार पहले दिन प्रथम पाली में 1 फरवरी को मैथ्स की परीक्षा हुई। वहीं द्वितीय पाली में हिंदी की परीक्षा 1:45 से हुई, जो 5 बजे तक जारी रही। इसमें आर्ट्स और वोकेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा हुई। वहीं परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर धारा 144 लगा दी गई थी। स्वच्छ कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन के लिए समिति द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को निर्देश भी दे दिया गया था। बिहार बोर्ड की माने तो उसने सारी तैयारी पहले ही पूरी कर ली थी। बिहार के 19 जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना। बिहार में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही राजधानी पटना समेत कई जिलों में घने कोहरे का असर देखने को मिला। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार की राजधानी पटना सहित राज्य के 19 जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है। मौसम विभाग की माने तो 3 और 4 फरवरी को निचले क्षोभ मंडल स्तर पर पश्चिमी हवाओं और पुरवैया के बीच संगम के कारण बिहार और झारखंड समेत अन्य राज्यों में अलग अलग जगह ओलावृष्टि के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। बारिश के बाद मौसम के साफ होने की संभावना भी जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है और उसके बाद धीरे धीरे 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, जो कपकपी वाली ठंड से राहत दिलाने में काफी सहायक साबित हो सकती है। हाईकोर्ट ने बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की टेंडर प्रक्रिया पर लगाई रोक। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल पटना की तरफ से निकाले गए टेंडर की प्रक्रिया पर पटना हाईकोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल ने राज्य के विद्यालयों और बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सामग्रियों की प्राप्ति और आपूर्ति के लिए यह टेंडर निकाला था, जिसके बाद ही बिहार ऑफसेट प्रिंटर एसोसिएशन और अन्य ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर ही चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की। इसी दौरान कोर्ट ने टेंडर की बेसिक प्रक्रिया को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक वर्क ऑर्डर पर रोक लगा दिया है। कोर्ट की माने तो अगले आदेश तक मिलान की बोली लगाने वाले किसी भी बिल्डर के पक्ष में वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया जाएगा, जिसके बाद अब इन सभी मुद्दों पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिनों का समय कोर्ट ने दिया है। अगली सुनवाई 10 फरवरी को होने वाली है। लगभग 27 दिनों के बाद बिहार में मिले कोविड-19 के 1000 से कम मामले। बिहार में कोविड-19 की रफ्तार जितनी तेजी से बढ़ी थी, उतनी ही तेजी से मामलों में अब गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 748 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके
बाद राज्य में 1,01,917 सैंपल की जांच की गई। इसी में इन मामलों की पुष्टि हुई है। इतना ही नहीं, इस दौरान बिहार में 2,223 कोविड 19 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस दौरान राज्य में 5 कोविड 19 संक्रमित मरीजों की जान भी गई है। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या 5,081 पर पहुंच गई है। जिलावार कोविड 19 मरीजों की बात करें तो अररिया में 16, अरवल में 3, औरंगाबाद में 8, बांका में 13, बेगूसराय में 100, भागलपुर में 13, भोजपुर में 15, बक्सर में 19, दरभंगा में 18, पूर्वी चंपारण में 9, गया में 2, गोपालगंज में 23, जमुई में 11, जहानाबाद में 2, कटिहार में 18, किशनगंज में 3, लखीसराय में 3, मधेपुरा में 32, मधुबनी में 23, मुंगेर में 12, मुजफ्फरपुर में 8, नालंदा में 10, नवादा में 2, पटना में 109, पूर्णिया में 61, रोहतास में 17, सहरसा में 22, समस्तीपुर में 27, सारण में 39, शेखपुरा में 7, शिवहर में 5, सीतामढ़ी में 5, सिवान में 9, सुपौल में 10, वैशाली में 34 और पश्चिमी चंपारण में 31 मरीज मिले हैं। वहीं दूसरे राज्यों से आए 9 लोग भी संक्रमित पाए गए। बिहार में बोर्ड निगम कर्मियों के समायोजन के लिए सृजित होंगे नए पद। वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार सरकार बोर्ड और निगम के कर्मियों को समायोजित करने के लिए नए पद सृजित करने की तैयारी कर रही है। इन पदों की संख्या 192 बताई गई है। खबर के अनुसार पद को धारण करने वाले कर्मियों के अवकाश ग्रहण करने के साथ ही ये पद अपने आप समाप्त हो जाएंगे। वित्त विभाग के सचिव की माने तो ऐसे कर्मचारी जो एकीकृत बिहार में बोर्ड और निगम में नियुक्त हुए थे, इनमें से अधिसंख्य को अन्य विभागों में समायोजित किया गया था, लेकिन कुछ कर्मियों ने सेवा से वंचित होना पड़ गया था। जबकि झारखंड सरकार ने इन संवर्ग के कर्मियों को न सिर्फ नौकरी में रखा बल्कि सामान्य सरकारी सेवकों की तरह वेतन और अन्य सुविधाएं भी मुहैया करवाई थी। इन्हीं अनियमितताओं के खिलाफ कर्मचारी हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश दिया है। बिहार में अधिकारियों कर्मचारियों को जल्द ही मिलेगा प्रमोशन। बिहार सरकार के अधिकारी और कर्मी जो प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए काम की खबर सामने आई है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बिहार सरकार ने अधिकारियों और कर्मियों के प्रमोशन की कवायद को शुरू कर दिया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार प्रोन्नति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने लंबी सुनवाई के बाद 28 जनवरी को ही अपना आदेश पारित किया था, जिसके बाद ही बीते दिन ही विकास आयुक्त अतुल प्रसाद की अध्यक्षता में इसको लेकर बैठक बुलाई गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में तमाम विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को बुलाया गया था। इतना ही नहीं, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सोमवार को ही पत्र जारी करते हुए सभी विभागों से 10 फरवरी तक राज्य सरकार के अधीन सेवाओं के विभिन्न कैडर और ग्रेड में मौजूदा अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मियों का आंकड़ा उपलब्ध करवाने का आदेश जारी किया गया है। बिहार में 4.5 लाख संविदा कर्मचारियों की बनेगी सर्विस बुक। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में विभागों से लेकर जिला तक कार्यरत सभी संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका जल्द ही बनने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर संविदा पर कर्मियों को नियोजित किया जा रहा है। इनकी संख्या 4.5 लाख के करीब बताई जा रही है, जिसके बाद ही अब इनकी सेवा पुस्तिका बनाने की योजना बनाई गई है। इन सेवा पुस्तिका में संविदा कर्मियों की तमाम जानकारी दर्ज की जाएगी, जिसमें उनके नाम, पते के साथ साथ नियोजन की तारीख से लेकर अवकाश तक की जानकारी दर्ज रहेगी। इसमें सभी स्तर के नियोजित कर्मियों का सेवा अभिलेख को संधारित किया जाएगा और इसे 5 साल पर अपडेट भी किया जाएगा। साथ ही ये भी बताया गया है कि सेवा पुस्तिका का संधारण उसी प्रभाग या कार्यालय द्वारा किया जाएगा जहां उनका नियोजन किया गया है। पटना में सार्वजनिक स्थानों पर सरस्वती पूजा की मिली अनुमति, लेकिन करना होगा ये। जल्द ही सरस्वती पूजा का आगमन होने वाला है। हालांकि कोविड 19 की परिस्थिति को देखते हुए पहले तो सरस्वती पूजा के सार्वजनिक आयोजन पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई थी, लेकिन इन दिनों मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। यही कारण है कि पटना में 5 फरवरी को सरस्वती पूजा आयोजित करने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन सभी पंडाल धारकों को नियमों का पालन करने की नसीहत दी गई। इसको लेकर सोमवार को डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में अधिकारियों की हुई बैठक में अहम दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत कार्यक्रम छोटे पैमाने पर आयोजित किया जा सकेगा। मोहल्ले और हॉस्पिटल परिसर में मूर्ति स्थापित करने की सूचना SDO कार्यालय को पहले ही देनी होगी। पूजा में अधिकतम 50 लोग हिस्सा ले सकेंगे। मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस नहीं निकाला जाएगा। मूर्ति विसर्जन करने के लिए वाहन का इस्तेमाल ही किया जाएगा। इसके साथ ही प्रतिमाएं कृत्रिम तालाब में विसर्जित की जाएंगी। कार्यक्रम स्थल पर डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। बिहार के छात्र ने निकाली गूगल में गलती, मिलेगा लाखों रुपए का इनाम। बिहार के बेगूसराय निवासी एक छात्र ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती निकाली है, जिसके बाद ही उसने गूगल को इसकी जानकारी भी भेजी तो गूगल ने माना कि उसकी साइट में बड़ी चूक हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह कारनामा बेगूसराय निवासी IIT मणिपुर में बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र ऋतुराज चौधरी ने किया है। वो साइबर सिक्योरिटी विषय पर अलग से शोध कर रहे हैं। वहीं ऋतुराज की तरफ से उजागर की गई गलती इतनी भारी थी कि इसका फायदा कभी भी कोई भी ब्लैक हैट हैकर उठा सकता था। गूगल में छात्र का नाम अपने रिसर्चर की सूची में डालते हुए उसे गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से भी नवाजा है। खबरों के अनुसार अब ऋतुराज को भी $31,000 से अधिक का इनाम मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा पटना, बना खास प्लान। बिहार में नेशनल हाईवे के विकास को लेकर तमाम योजनाएं अलग अलग कारणों में फंसी हुई नजर आ रही है। किसी योजना में 5 साल में तो किसी योजना में 10 साल के बाद भी काम अटका हुआ है। लेकिन राहत की बात यह है कि अब बिहार में एनएच के विकास की सभी योजनाओं की हर मुश्किल 1 महीने के अंदर दूर करने की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और बिहार सरकार को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिया है। एक योजना के संबंध में एनएचएआई के अध्यक्ष ने खुद ही हलफनामा देकर कार्य प्रगति पर होने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पटना आरा बक्सर एनएच को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी है। आपको बता दें कि ये दिशा निर्देश इसलिए जारी हुआ है क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और विकास से संबंधित मामले पर सुनवाई की थी। बिहार कांग्रेस के सांगठनिक चुनाव के निर्वाचन पदाधिकारी बने ये। कांग्रेस पार्टी इन दिनों अपने संगठन को मजबूत करने में अलग अलग राज्यों में सांगठनिक चुनाव को लेकर निर्वाचन पदाधिकारियों की नियुक्ति कर रही है। इसी कड़ी में बीते दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय चुनाव प्राधिकरण के चेयरमैन पूर्व सांसद मधुसूदन मिस्त्री ने बिहार में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज्यसभा सांसद रिपुन बोरा को बिहार के सांगठनिक चुनाव को लेकर निर्वाचन पदाधिकारी बना दिया है। इसको लेकर मधुसूदन मिस्त्री ने पत्र भी निर्गत कर दिया। निर्गत किए गए पत्र में उप निर्वाचन पदाधिकारी के तौर पर दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरेश कुमार और महाराष्ट्र के विधायक कुणाल पाटिल को नियुक्त किया गया है, जिसके बाद ही बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, विधायक दल के नेता अजीत शर्मा समेत अन्य ने खुशी व्यक्त की है। आर्थिक सर्वेक्षण पर बोले सुशील मोदी, देश का संसद सत्र बीते दिन से ही शुरू हो गया है, वहीं आज बजट पेश किया गया। हालांकि बजट पेश होने से पहले ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज गति से बढ़ने वाला बताया है। इसको लेकर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बीते दिन ट्वीट जारी करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले 3 सालों तक सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी। आर्थिक सर्वेक्षण ने चालू वित्त वर्ष में 9.2% और अगले साल 2022-23 में 8.5% की दर से वृद्धि का आकलन कर यह विश्वास जगाया कि हमारी अर्थव्यवस्था कोरोना की 3 लहरों के बावजूद विकास को बनाए रखने में सफल है। हालांकि पिछले वित्त वर्ष में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली थी, जिसके अनुसार पिछले वित्त वर्ष में 7.1% की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी उम्मीद जताई है कि भारत अगले 3 वित्तीय वर्ष तक दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वनडे सीरीज के लिए अहमदाबाद पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम। भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य 6 फरवरी से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हो रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए अहमदाबाद पहुंच गए हैं। सभी खिलाड़ियों ने रविवार और सोमवार के बीच बायो बबल में भी प्रवेश कर लिया है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया है कि वो 3 दिन तक क्वारंटीन में रहेंगे। रोहित शर्मा इस सीरीज के दौरान पहली बार भारत की सीमित ओवर की टीम के नियमित कप्तान के रूप में उतरेंगे। वो पैर की मांसपेशियों में चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका नहीं जा पाए थे। स्पिनर कुलदीप यादव की भी टीम में वापसी हुई है, जबकि लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को पहली बार टीम में जगह मिली है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विनय कुमार, जितेंद्र मिश्रा, प्रभात रंजन, चंदन अहिराना, नंद कुमार, महेश दास, प्रतिभा कुमारी 2, कन्या कुमारी, विशाल राज, विकास मनियारा, कुमार कुमुद, राजकुमार, राहुल रोहित। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज केंद्र सरकार की तरफ से बिहार के लिए पेश किए गए बजट से आप संतुष्ट हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।